ये दुनिया अजब गजब किस्सों से भरी हुई है। हमारे आसपास चप्पे चप्पे पर बिखरा है आश्चर्यजनक और काल्पनिक सच। ऐसे ही कुछ अकाल्पनिक अविश्वसनीय सच से आपको रूबरू कराने हाजिर हूं मैं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जिसका नाम है अजब गजब। इस सीरीज में हम ऐसे किस्सों से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, वो होगा गजब है। आज हम अपने पहले एपिसोड में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिनकी उम्र भले ही 108 साल हो गई हो लेकिन आज भी वो किसी 30 साल के युवक से कम नहीं है। यही कारण है कि आज 5 शादियां करने के बाद वो छठी शादी की तैयारी में लगे थे। हम बात कर रहे हैं देवी सिंह की, जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के राम शहर के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 108 साल है। देवी सिंह ने हाल ही में अपना 108वां जन्मदिन मनाया। 108 वर्षीय बुजुर्ग देवी सिंह ने 5 शादियां रचाई और वो छठी की तैयारी में थे लेकिन छठी शादी नहीं हो पाई क्योंकि शादी करने से कुछ दिन पहले ही महिला की मौत हो गई थी। देवी सिंह की 5वीं पत्नी उनसे 25 साल छोटी है। देवी सिंह के बच्चे भी हैं जो कि अब बुजुर्ग हो गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देवी सिंह आज भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके घुटने, बाजू और जहां तक पाचन शक्ति भी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उनकी आंखों की रोशनी कम हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवी सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1914 को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के राम शहर में हुआ। देवी सिंह ने हाल ही में अपना जन्मदिन भी मनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि देवी सिंह आज भी 30 साल के नौजवान के बराबर काम करने का जज्बा रखते हैं। है ना हैरान कर देने वाली बात। वही इस मामले पर हमने जनरल फिजिशियन कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद सिंह से बात की, जिन्होंने बताया कि कैसे हम बढ़ती उम्र में भी अपने तन और मन को हष्ट पुष्ट रख सकते हैं और क्या कुछ कहा डॉक्टर आनंद सिंह ने, आप भी सुनिए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद सिंह। 108 वर्ष के देवी सिंह, आपने पूछा क्या सामान्य बात है, ये कोई बहुत असामान्य बात नहीं है। किसी का 108 वर्ष का होना, 110 या 20 वर्ष का होना, ये थोड़ा बहुत अचरज की और अच्छी बात है कि 108 वर्ष में वो बिल्कुल फिट है, ये सबसे अच्छी बात है। वो चल लेते हैं, थोड़ा तेज़ दौड़ भी लेते हैं, जैसा कि पूरे आपके न्यूज़ में मैंने देखा, ये बहुत अच्छी बात है। वो योगा वगैरह जो भी करते हो, आपने आपके उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो फिजिकली शुरू से एक्टिव रहे होंगे और साफ साफ उसमें ये भी लिखा हुआ है उनकी जो एक्टिविटीज़ है फिजिकल, वो 30 साल के एक आदमी के बराबर हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने आप को कितना फिट रखा है, अपना खान पान बहुत संतुलित रखा होगा, अच्छे प्रोटीन डाइट लेते होंगे, लाइफ स्टाइल को अपने बहुत अच्छा रखते होंगे, फिजिकली फिट रहने की कोशिश करते होंगे हमेशा से, और मुझे लगता है कई साल तक बिल्कुल फिट रहेंगे वो। जी, शादी करना, और आपने एक दांत के बारे में पूछा, तो ये अगर वो शादियां कर रहे हैं तो अपनी बहुत उस खुशी के लिए नहीं कर रहे होंगे कि मैं मुझे बहुत खुश रहना है, वो रहना है। मुझे लगता है कि उनकी पोटेंशी जो है वो बिल्कुल जो है, जैसा फिर बताऊंगा, 30 साल के युवक के बराबर आपने लिखा है, 30 नहीं तो 40-50-60 साल के बराबर भी हो अगर, तो पोटेंशी की मतलब फिट है बिल्कुल। पोटेंसी की फिटनेस इस एज में आ करके ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अचंभे वाली बात है। हम लोग सोचते हैं कि 70-75 साल तक नॉर्मली आदमी पोटेंट रहता है, 80 साल तक रह सकता है, लेकिन 108 वर्ष में पोटेंशी इतनी अच्छी रहना ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उनका जीवन आचरण जो है, लाइफ स्टाइल जो है, वो सबको फॉलो करना चाहिए, पूछना चाहिए क्या खाते हैं क्या पीते हैं, पहली बात। और दूसरा, आपने पूछा कि उनके 108 वर्ष में दांत आ रहे हैं, तो दांत आना जो है ये थोड़ा सा असामान्य है कि जैसे बच्चे भी जो पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा कैल्शियम टैबलेट वगैरह ली रहती हैं, कैल्शियम डाइट बहुत ज़्यादा ली होती हैं, कई बच्चे पेट से ही एक या दो दांत के साथ पैदा होते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है। तो उनका भी दांत दोबारा आना, हो सकता है कैल्शियम डाइट बढ़ाया हो या बॉडी बहुत सारी चीज़ें ऑटोइम्यून होती हैं, अपने आप होती हैं, तो उस वजह से दांत आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कि उम्र की बात जहाँ तक है, फिटनेस की बात जहाँ तक है, तो आपके कश्मीर से थोड़ा आगे जाएंगे तो एक हुंजा वैली है। हुंजा वैली के लोग 120 साल, 125 साल, 28 साल तक वो लोग बिल्कुल फिट रहते हैं और सबकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ, बताते फिर वहाँ उसके ऊपर रिसर्च हुआ, पता चला कि वहाँ का जो पानी है वो एल्कलाइन वाटर वहाँ का है, वहाँ कोई बीमार ही नहीं पड़ता वहाँ पे। मतलब जो बहुत एजड 80-90-100 साल की जो महिलाएं हैं वो 30-40 साल हार्डली इससे ज़्यादा की नहीं लगती, आदमी बिल्कुल फिट लगते हैं। तो खान पानी ही हुआ, पानी जब वहाँ का ऐसा बिल्कुल डिफरेंट है पूरे वर्ल्ड में, तो वैसा ही हुआ। जैसे अपने क्रिकेटर महोदय हैं वो एल्कलाइन वाटर कहीं बाहर से मंगाते हैं, पता नहीं 3,000-6,000 बोतल, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में।
वैसे ही है, लाइफ स्टाइल अपना आप अच्छा रखिए और फिट रहने की कोशिश करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए, कुछ करिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको पर्टिकुलर वही काम करना है, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा रहता है अगर तो बहुत अच्छा रहता है। ये सब करना चाहिए, अच्छी डाइट यूज़ करना चाहिए, अल्कोहल से दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें, जो भी करें तो बिल्कुल जो है कंट्रोल वे में करें। जी धन्यवाद। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही अजब गजब किस्सों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी न्यूज। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।